तो गरीब सेंटिव्स में आपका स्वागत है। आई होप आपको एनिमेशन पसंद आया। आज हम जानेंगे SSLV के बारे में। वीडियो का फ्लो कुछ ऐसे होगा, पहले हम ब्रीफ जानेंगे, फिर SSLV के स्टेजेस देखेंगे एक एक स्टेज, फिर SSLV के जो भी पब्लिक पिक्चर्स आए हैं वो देखेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे SSLV वर्सेस PSLV मेन एडवांटेजेस, ये इंटरेस्टिंग होगा। फिर SSLV का मेन कॉम्पिटिटर रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन यानी रॉकेट लैब जो अमेरिकन न्यूजीलैंड कंपनी, उनसे कंपेयर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना और इंटरेस्टिंग भी। और फाइनली लॉन्च डेट्स और कहां से लॉन्च होगा लोकेशन वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये इसरो का नया रॉकेट है जो डेवलप कर रहे स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए, छोटे सैटेलाइट्स के लिए डेडिकेटेड लॉन्चर। अब इसे कुछ लोग मिनी PSLV या बेबी PSLV भी कहते हैं। उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, मत भाई, प्लीज मत, प्लीज ना, हर चीज को कंपेयर क्यों करो यार, उसे खुद की आइडेंटिटी रखने दो। गरीब सेंटिस की ऑडियंस का भी स्टैंडर्ड है थोड़ा, आप उस क्रिंज लेवल पे मत जाना, ओके प्लीज, थैंक यू। तो ये रॉकेट 34 मीटर टॉल है और 2 मीटर वाइड है, यानी डायमीटर उसका 2 मीटर है, तो काफी ऊंचा रॉकेट है वैसे। इसके 4 स्टेजेस है पर फोर्थ स्टेज को स्टेज नहीं कहते एग्जैक्टली, ये क्यों समझाऊंगा आपको आगे जाके। इसे इसरो ने बनाया तो है, डेवलप वगैरह किया तो है, बट इसे जो ऑपरेट फाइनली है वो NSIL करेगी, यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इसरो का नया आर्म है जो कमर्शियल लॉन्चेस वगैरह हैंडल करेगा और बहुत कुछ करते हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह। इसकी कैपेसिटी करीब 500 kg टू लोअर अर्थ ऑर्बिट और 300 kg टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ये दोनों 500 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड के आसपास। इसकी खासियत ये है कि ये 15 दिन में रेडी हो सकता है और बस 6 लोग लगते हैं ऑपरेट करने के लिए, उसके ऊपर एंड में इलैबोरेट करूंगा। स्टेजेस पे आते हैं। फर्स्ट स्टेज का नाम है SS1 यानी SSLV स्टेज 1। अब ये सॉलिड प्रोपेलेंट, ये सॉलिड स्टेज है तो ये HTPB फ्यूल यूज करते हैं यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ये 3 सेगमेंट में बना, अगर आप देखोगे तो लाइंस दिख रहे हैं बीच में, ये क्योंकि 3 अलग सेगमेंट्स ऐसे ज्वाइन किए गए हैं। ये टोटल इसका प्रोपेलेंट लोड जो है 89 टन्स का है, इसलिए हम इसे S89 मोटर कह सकते हैं, सॉलिड 89 मोटर। इसका थ्रस्ट जो है वो 2600 किलो न्यूटन्स है, ये बहुत ज्यादा है, मतलब अगर आप 3 विकास इंजन को साथ में क्लब करोगे ना तो उससे भी ज्यादा ये थ्रस्ट है, तो काफी काफी ज्यादा और काफी अच्छा थ्रस्ट है इस छोटे से रॉकेट में। इसके नीचे आप देखोगे बॉटम स्कर्ट जो कहते हैं जहां वो बड़ा हो रहा है, उसके ऊपर फिन्स लगाए गए हैं। अब ये फिन्स के टिप ट्विस्ट होते हैं रोल कंट्रोल के लिए, और जो मेन नोजल है वो भी ऊपर नीचे या साइड में हो सकता है कंट्रोल करने के लिए रॉकेट के टाइम, तो ये पिच और या कंट्रोल देता है, और जो फिन्स है वो रोल कंट्रोल देता है, रोल मतलब घूमना। उसके ऊपर आप देखोगे तो वेंटेड इंटरस्टेज है। अब ये क्यों इंटरस्टेज वेंटेड है, होता क्या है, अगर जब ये सॉलिड रॉकेट मोटर है जब हम सेपरेट करेंगे फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज को, तो ऐसे हो सकता है कि थोड़ा रेजिडुअल थ्रस्ट बच सकता है लोअर स्टेज में और वो वापस आके टकरा सकता है, तो क्या होता है सेकेंड स्टेज जो है वो जैसे अटैच्ड है वैसे ही फायर करने लगेगा और फिर 1-2 सेकंड बाद वो सेपरेट कर देगा, तो मतलब जैसे अटैच्ड है वो वेंट के थ्रू चला जाएगा जो भी स्मोक और फायर है। ये नया नहीं है इसरो के लिए, इसरो के GSLV मार्क 2 के ऊपर भी सेम होता है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। अब आप देख सकते हो ये जो है वो अटैच्ड फ्लाई कर रहा है रॉकेट, ये सेकेंड स्टेज का कैम है कैमरा, अभी सेकेंड स्टेज फायर होने लगा स्टिल अटैच्ड है फर्स्ट स्टेज एंड देन सेपरेट हो जाता है, तो ये GSLV मार्क 2 के केस में अलग है क्योंकि वो लिक्विड यूज करता है और उसे एक्स्ट्रा मोटर्स नहीं लगेंगे फ्यूल को सेटल करने वगैरह, उसमें नहीं जाते, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। सेकेंड स्टेज पे आते हैं। सेकेंड स्टेज का नाम है SS2 यानी आपने कैसे कर लिया होगा SSLV स्टेज 2, ये भी HTPB यूज करता है। अब इसमें एक S7 मोटर लगा है, मतलब सॉलिड स्टेज विद 7 टन, इस केस में 7.7 टन ऑफ फ्यूल लोड, ये 250 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है वैक्यूम में, और इसका भी फ्लेक्स नोजल है तो इसका भी नोजल हिलता है, अगर आपने क्लोजली देखोगे तो हाइड्रोलिक्स वगैरह दिखेंगे वहां पे, हाइड्रोलिक्स नहीं वो एक्चुएटर्स है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स जो हिला रहे इस चीज को नोजल को, तो ये काफी इंटरेस्टिंग। थर्ड स्टेज पे आते हैं। थर्ड स्टेज पे भी आपने नाम कैसे ही कर लिया होगा SS3, इस पे भी HTPB प्रोपेलेंट। अब मेरे रेंडर में शायद थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है और थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि S4 मोटर है, यानी 4 टन फ्यूल लोड है इसमें, प्रोपेलेंट लोड है, ये करीब 160 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, इसमें भी फ्लेक्स नोजल है। एक इंटरेस्टिंग चीज बोलने भूल गया, अगर आप देखोगे तो सेकेंड स्टेज के ऊपर एक ब्लू पार्ट था, वो मोटर नहीं था, वो इंटरस्टेज था, क्योंकि ये जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर छुप के रहेगा, तो वो उसके अंदर काइंड ऑफ रहेगा, आपने वो फर्स्ट एनिमेशन में मैंने जब सेपरेशन दिखाया तो ये पता चल गया होगा, तो ये काफी इंटरेस्टिंग, मैं सब कुछ इंटरेस्टिंग है मेरे। अभी आते हैं फोर्थ स्टेज के ऊपर, जो SS4 नहीं है, ये है VTM यानी वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। अब ये एकदम पावरफुल होना जरूरी नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो पहले 3 स्टेजेस कर लेंगे, फाइनल इंसर्शन या जो भी टारगेट ऑर्बिट्स है
बारिक सारिक वो फोर्थ स्टेज करेगा। अब ये थोड़ा अजीब है, आप देख सकते हो आपको नहीं दिख रहा इंजन कहाँ है, राइट। तो सबसे पहले तो इसके इंजन कैसे है, 12 इंजन है टोटल इसके ऊपर, हर एक का 50 न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये तीन तीन के मॉड्यूल में स्टोर्ड है। अगर आप देखोगे साइड में, मैं ग्रेंटर निकालता हूँ, तो एक नीचे पॉइंट कर रहा है, एक साइड में पॉइंट कर रहा है, वैसे ही दूसरे साइड उल्टा रहेगा, ऐसे चार है टोटल। ये पिच और यॉ कंट्रोल करने के लिए, ये मूव करने के लिए स्पेस में। पर आगे बढ़ाने वाला इंजन कौन सा है, आगे बढ़ाने वाला इंजन ये चार नीचे पॉइंट करते हैं। तो अगर आपको मैं करेंटर दिखाऊं तो जो सर्कल्स आ रहे हैं वो चार नीचे पॉइंट करने वाले इसके मेन इंजिन्स है। मुझे ये काफी कंफ्यूजिंग हुआ, लकीली मेरे डिस्कॉर्ड ने हेल्प किया समझने में मेरे को ये सब, क्योंकि समझ नहीं रहा था, इमेजेस वैसे क्लियर नहीं इंटरनेट के ऊपर जो भी है वो, बट लकीली हाँ ये है। तो ये 50 किलो न्यूटन के चार इंजिन जैसे नीचे पॉइंट करेंगे और जो भी है थ्रस्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्यूल टैंक वगैरह है और बीच वाले कंपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह उसके अंदर पड़े हैं सब। उसके ऊपर पेलोड बेस है, इसके ऊपर सैटेलाइट अटैच होते हैं, मल्टी लेवल भी कर सकते हैं अगर आपको काफी सारे लेके जाने कैसेट्स वगैरह। तो ये काफी 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 इंटरेस्टिंग, आप बोलोगे कितने बार इंटरेस्टिंग बोल रहा है, ये सब कुछ इंटरेस्टिंग है। तो काफी कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ 8 सैटेलाइट, 12 सैटेलाइट, कितने भी चाहे आप लेके जा सकते हो। अभी हम देखेंगे SSLV के पिक्चर्स जो शार ने रिलीज किए थे, शार यानी श्री हरिकोटा हाई ऑल्टीट्यूड रेंज, जहां से रॉकेट्स लॉन्च होते हैं अपने, पर ये SSLV वहां से नहीं होगा मोस्टली, आगे बताता हूँ, चिल करो। तो आप देख सकते हो इसमें तीन सेगमेंट्स दिखा रहे हैं, नीचे लेके NES, MS और HES। NES मतलब नोजल एंड सेगमेंट, जो नीचे वाला नोज पार्ट है सबसे नीचे वाला सेगमेंट, मिडल सेगमेंट मतलब जो मिडल में जाएगा, और हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर वाला सेगमेंट। तो ये तीन बना के फर्स्ट स्टेज बनाते हैं। अब यहाँ स्टैटिक टेस्ट के एग्जैक्ट मीनिंग क्या है मुझे नहीं पता, आइदर वो स्टैटिक फायर है या क्या, देखना पड़ेगा, पर फिलहाल ये इमेजेस है हमारे पास। इसके बजाय एक और सेपरेट डेडिकेटेड इमेज है NES का, तो ये फिलहाल है, और जैसे लॉन्च करीब आएगा वैसे इसरो डेफिनेटली और करेगी। तो जरूर मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करो, @GaribScientist सब जगह, वहां मैं डाल दूंगा जैसे इसरो आती है, तो आप भी अपडेटेड रहोगे। अभी आती है SSLV वर्सेस PSLV कंपैरिजन के ऊपर। सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोल दूं आपको, PSLV का जो थर्ड स्टेज है वो SSLV का सेकेंड स्टेज है, मतलब उन्होंने उधर से ही मोटर डिराइव किया है ताकि वो यहाँ पे यूज कर सके। तो डेवलपमेंट के लिए कॉस्ट सेविंग्स हो गई काफी सारी, काफी इंटरेस्टिंग है, राइट। S7 मोटर है दोनों साइड पे, जो PSLV का थर्ड स्टेज है वो उसके अंदर रहता है इंटर स्टेज के, यहाँ पे वो ओपन है बाहर में, तो काफी इंटरेस्टिंग। अभी बेसिक कंपेरिजन करते बिना, मतलब हर एक चीज को कंपेयर नहीं करते रहते, उससे ज्यादा सीखने नहीं मिलता है। सबसे पहले तो हाइट कंपेयर करते हैं, SSLV 34 मीटर्स है और PSLV 44 मीटर्स है। तो अभी कैपेबिलिटीज की बात कर लेते हैं। SSLV जैसे मैंने बोला 500 kg टू लोअर ऑर्बिट, PSLV CA के केस में, PSLV CA सबसे छोटा मेंबर है PSLV फैमिली का, इसको एक्स्ट्रा बूस्टर्स वगैरह नहीं है, इसके 2000 करीब किलो लोअर ऑर्बिट में लेके जा सकता है, टू बी स्पेसिफिक 2100। हाँ बहुत ज्यादा है, पर एक मिनट रुको, कंपैरिजन कंप्लीट नहीं हुआ। SSLV 300 kg लेके जा सकता है और टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, और PSLV CA 1100 टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अगर आपने मेरे ओल्ड वीडियोस देखे हैं तो एक और PSLV का वेरिएंट था जो कभी बना नहीं, जो है PSLV 3S, तो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। वो 600 किलो का कुछ केपेबल था, पर वो कभी बनाया नहीं इसरो ने, वो विदाउट विकास इंजन वाला था। एनीवेज उस पे नहीं आते। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो SSLV का कॉस्ट रूमर्ड है मोस्टली अराउंड 4 to 5 million पर लॉन्च, जो काफी अच्छा है, मतलब एक पूरा डेडिकेटेड रॉकेट आपको मिल रहा है 4 to 5 million पर लॉन्च। PSLV का 18 to 28 million पर लॉन्च। अब उसकी कैपेबिलिटी भी ज्यादा है बताए, पर काफी लोगों से मैंने पूछा, मतलब अब सोर्सेज वर्ड नहीं यूज करना यार, गंदा हो गया बहुत एकदम। और कुछ लोगों ने जिन्होंने प्रीवियसली ट्राई किया या किया है लॉन्च PSLV के ऊपर, उन्होंने कोट किया है कि 20,000 यूरो पर kg है अप्रोक्सीमेटली PSLV के ऊपर, और SSLV का उससे थोड़ा कम लग रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग होगा सेकेंड कंपेरिजन में। अब SSLV का मेन कंपेटिटर है अपना रॉकेट लैब का इलेक्ट्रॉन। रॉकेट लैब एक अमेरिकन या न्यूजीलैंडियन कंपनी है जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर्स बना रहा है। अपनी इलेक्ट्रॉन रॉकेट देखा ही होगा कहीं ना कहीं, जो डेडिकेटेड राइट्स प्रोवाइड करते हैं छोटे सैटेलाइट्स को। अभी काफी इंप्रूव हो रहे हैं और काफी स्केल अप हो रहे हैं स्लोली, और इन्होंने रिसेंटली रिकवर भी करने लगे हैं। SSLV और इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। SSLV 34 मीटर टॉल है जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन 17 मीटर टॉल है, करीब हाफ द हाइट है वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन। SSLV 500 kg लेके जा सकते हैं लियो में यानी लोअर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है वो 300 kg लेके जा सकते हैं लोअर ऑर्बिट में। SSLV 300 kg लेके जा सकते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन 200 kg लेके जा सकता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अभी मेन चीज पे आते हैं, वो एक कॉस्ट। अब जैसे मैंने कहा 4 to 5 million, रूमर्ड है कि 4.2 million, बेस्ट केस के लिए 5 million पकड़ते SSLV के लिए, पर इलेक्ट्रॉन का कॉस्ट है 7.5 million पर लॉन्च।
अब SSLV ना सबसे इंडियन चीज है क्योंकि कम प्राइस में ज्यादा दे रहा है वो। अगर आप प्राइस देखोगे तो आपको, आप पहले तो कम प्राइस पे कर रहे हो पूरे रॉकेट का, और सेकेंडली आप ज्यादा पेलोड लेके जा पा रहे हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर इसरो उस लेवल पे स्केल कर पाती है जिसपे वो क्लेम कर रही है, तो फिर भाई मजे है इसरो के। ये कहाँ से लॉन्च होगा पहले बात कर लेते हैं। पहले लॉन्चेस और जो है वो शार से लॉन्च होंगे यानी श्रीहरिकोटा जहाँ आज से होते हैं, पर फ्यूचर लॉन्चेस जो है वो कुलचक्रापट्टनम यानी तमिलनाडु में। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है नए लॉन्च पोर्ट का तो आप देख सकते हो, आई बटन डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, वहाँ से लॉन्च होगा। वहाँ एक नया लॉन्च पैड वगैरह बन रहा है और इसरो क्लेम करता है कि जैसे मैंने कहा 15 दिन में एक रेडी कर सकते हैं रॉकेट, और एक ईयर में एटलीस्ट 8 से 10 लॉन्चेस देख रहे हैं वो SSLV के ही। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कम लोग लगते हैं इसे ऑपरेट करने के लिए। 2021 में दो फ्लाइट्स प्लान्ड है फिलहाल, D1 और D2, मतलब डेवलपमेंट फ्लाइट 1, डेवलपमेंट फ्लाइट 2, उसके बाद मेन लॉन्चेस शुरू होंगे। D1 में एक अपना EOS-2 यानी अपनी एक मिलिट्री सैटेलाइट कैरी करेगी SSLV। D1 ऐसा रूमर है कि लोकल तेलुगु न्यूज़पेपर्स में कि मार्च 2021 में हो सकता है, पर ये जनवरी 2021 था, उसको ये थोड़ा डिले होते जा रहा है, तो और डिलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होपफुली फर्स्ट हाफ में हो जाए इस साल के। D2 जो है वो एक कम्प्लीटली कमर्शियल लॉन्च है, मतलब ऑलरेडी बुक हो चुका है वो लॉन्च कमर्शियली प्राइवेट कंपनी से, और शायद हमें काफी डिफेंस मिशंस वगैरह इस पे देखने मिले। तो इंटरेस्टिंग है, अगर आपको हेल्प हुआ तो जरूर शेयर करो वीडियो, सब्सक्राइब करो। और गरीब साइंटिस्ट को 4+ ईयर्स हो गए, मैंने आज तक एक भी स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट नहीं की, आगे जाके मैं भी करूँ। तो बस स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेंबर्स को जो हेल्प कर रहे वो ऑफसेट करने में। तो आप भी अगर हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के जरूर ज्वाइन करो। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद जय भारत। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिका देवाल, बुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्णा, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित रौंडाड़े, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गंगनदी भाटिया, मार्क 7, संदीप रामकृष्णन, वी वैभव त्रिवेदी, भैरव हजारिका, सचिन यादव, कुछ भी मेहता, आकाश पाटिल, विक्रम वर्मा, तन्मय देशपांडे, सिद्धार्थ कृष्णन और अभिषेक श्रीवास्तव।